ये 528/19 जो कोतवाली का एक मैटर था उसके बाद ही है। और जब वो गवाही देने के लिए माननीय न्यायालय में आ रहे थे तो इनको धमकाया गया, गवाही ना देने का दबाव डाला गया था और इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें मोहम्मद आजम खां के अलावा और लोग भी आरोपी हैं और मोहम्मद आजम खां 120B के आरोपी हैं और आज उन पर आरोप तय किए गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शनिवार को रामपुर कोर्ट में गवाह को धमकाने वाले मामले में पेश किए गए। सुबह 10:30 बजे आजम खान कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से रवाना हुए थे और करीब 2:30 बजे वह रामपुर न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में MPMLA सेशन कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान के रामपुर पहुंचने से पहले कोर्ट परिसर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आजम खान पर गवाह को धमकाने का आरोप तय कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 अक्टूबर को होगी। वही सुनवाई के बाद आजम खान कड़ी सुरक्षा के बीच वापस सीतापुर जेल के लिए रवाना कर दिए गए। बता दें कि जिस मामले में सुनवाई थी उसमें आजम खान और उनके साथ 6 अन्य पर गवाह को धमकाने का आरोप है, जो कि वर्तमान में MPMLA सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि आज की सुनवाई में सपा नेता आजम खान पर कोर्ट ने गवाह को धमकाने का आरोप तय किया है। दरअसल यह मामला उस समय का है जब थाना सदर के बेरियान निवासी नन्हे ने साल 2022 में शहर कोतवाली में आजम खान और अन्य के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि डूंगरपुर कांड में गवाह नन्हे वादी है। नन्हे का आरोप है कि कुछ लोग उसके घर आए और उसे सपा नेता आजम खान के पक्ष में गवाही न देने के लिए धमकाया। इसी मामले में आजम खान सहित करीब 6 लोगों को कोर्ट ने तलब किया गया है। वही अभी तक आजम खान पर कुल 85 मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें से एक गवाह को धमकाने का मामला भी शामिल है। बताते चले कि आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की MPMLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के चलते उनकी विधायकी चली गई। आजम खान के साथ बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम भी जेल में बंद थे। पत्नी तंजीम को जमानत मिलने के बाद वह रामपुर जेल से बाहर आ गई, लेकिन बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल और आजम खान सीतापुर जेल में अभी भी बंद हैं। वहीं शनिवार को डूंगरपुर कांड में गवाह को धमकाने वाले मामले में रामपुर की MPMLA कोर्ट में आजम खान की पेशी हुई, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आजम खान पर गवाह को धमकाने का आरोप तय कर दिया है। वह इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 अक्टूबर को होगी। ये मामला जो था इसमें एक जो वादी नन्हे हैं इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जिस समय वो गवाही के दौरान ये 528/19 जो कोतवाली का एक मैटर था उसके वादी हैं और जब वो गवाही देने के लिए माननीय न्यायालय में आ रहे थे तो इनको धमकाया गया था, डराया धमकाया गया, गवाही ना देने का दबाव डाला गया था और इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे जिसमें मोहम्मद आजम खां के अलावा और लोग भी आरोपी हैं और मोहम्मद आजम खां 120B के आरोपी हैं और आज उन पर आरोप तय किए गए। अगली तारीख इसमें कब लगी? इसमें अगली तारीख 24 तारीख लगाई गई है अगली सुनवाई के लिए। 24 तारीख को फिर से आजम खां? नहीं, अब आजम खां क्योंकि आज आरोप तय हुए हैं इसके बाद ये फाइल ट्रायल में आ गई है और इसमें अब एविडेंस करवाई जाएगी।